गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 16 मार्च 2023। डॉलर इंडेक्स कल बाउंस बैक किया फ्रॉम 103.50 टू 105.10 लेवल्स एंड नाउ एट 104.59। ये जो प्राइस एक्शन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट वन। पहले एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इन दिस केस इट इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंडलाइन सपोर्ट को ब्रेक किया एंड देन टुक रेजिस्टेंस, उसके बाद जो अगर फॉल आएगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव। व्हाट आई वांट टू मीन, सपोज दिस इज ए सपोर्ट लाइन, प्राइस एक्शन ऊपर से नीचे आता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, देन फॉल करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द टिपिकल रेजिस्टेंस लाइन, दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन हियर। यहाँ पर भी आप देखो वही हुआ है, ब्रेक डाउन किया, ऊपर लिया एंड रेजिस्टेंस। अभी जब तक इसका हाई प्रोटेक्टेड है, यानी प्रोटेक्टेड का मतलब जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाता है तब तक कीपिंग दिस एज रेजिस्टेंस, वी मे एक्सपेक्ट ए गुड सेल ऑफ हियर। सबसे अच्छा रहेगा अगर आज या कल परसों आने वाले एक दो दिन में एक ऐसा रिवर्सल कैंडल आता है। रिवर्सल कैंडल मींस पूरा का पूरा प्राइस को एनगल्फ कर देगा, इस कल का जो बुलिश मूव है उसको पूरा एनगल्फ करेगा। इन सच केस द फॉल इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट आई वांट टू मीन इज दैट अभी हमें इंतजार रहेगा, क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का एक सेल ऑफ आएगा। उसके बाद अगर आता है देन बिलो 103.40 वी मे एक्सपेक्ट ए मूव टुवर्ड्स 101.50। क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। एक नजर वीकली पे, वीकली में भी सिमिलर अंडर डोजी कैंडल अंडर फॉर्मेशंस एंड मंथली में भी वही सिमिलर सिचुएशंस है। डॉलर रुपी कल आपका क्रेडिट स्विस बैंक रिलेटेड जो यूरोप में अनसर्टेनिटीज चल रहा है उसके वजह से डॉलर रुपी ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 82.40 से 82.50 उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया एंड ट्रेडेड हाई ऑफ 82.86। हालांकि एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लोअर है, पॉसिबली टुवर्ड्स 82.70। सो अभी हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि आपका जो ये RSI रेजिस्टेंस है क्या ये रेजिस्टेंस के काम करता है या नहीं, या आने वाले दिनों में फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पस जो भी एक के बाद एक अमेरिका और यूरोप में यूरोप से जो न्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक हो, फर्स्ट रिपब्लिक हो, क्रेडिट स्विस हो, इस टाइप का क्या और आता रहेगा वन आफ्टर अनदर, या दिस इज द एंड, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर दिस इज द एंड है तो बहुत बढ़िया है, यहीं से प्राइस कंसोलिडेट करना चालू करेगा एंड उसके बाद एक डायरेक्शन लेगा। अगर दिस इज द स्टार्ट ऑफ द होल प्रोसेस कि और भी ज़्यादा आने वाला है, इन सच केस भगवान मालिक। GBP डॉलर अभी है 1.2065, आपका डेली बेसिस पे ये 60 को रेस्पेक्ट कर रहा है, ये रेस्पेक्ट हो गया। अभी हमें क्या इंतजार है, अभी एक या दो कैंडल जो इस रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, समथिंग लाइक दिस। इन सच केस एक ह्यूज अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। GBP INR सिमिलरली आपका अप मूव जो 13 मार्च को मारा उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है एंड ऑल्सो RSI टू रेजिस्टेंस एट 60। अभी इसको ऊपर जाना है तो RSI को अबव 60 जाना है एंड एक या दो कैंडल इस जो सेल ऑफ एरिया है उसको निगेट करना है। यूरो डॉलर ड्यू टू क्रेडिट स्विस न्यूज और इवेंट यहाँ पे मैक्सिमम फॉल हुआ है,
He traded in between 1.0760 and 1.0516. ये आपका अच्छा खासा फॉल आया। यहाँ पे हमें देखना है कि फर्दर क्या मोर लेता है ये बैंकिंग रिलेटेड जो न्यूज है। येन आईएनआर पे भी अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। यहाँ पर भी हमें इंतजार रहेगा कि फर्दर कोई डैमेज होता है या दिस इज द लास्ट। डॉलर येन अच्छा खासा सेल ऑफ, अच्छा खासा बोले तो अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ एंड नाउ इट इज 132.90। ये क्या था आपका 13th मार्च को फॉल आउट था, उसके लो के नीचे कंटिन्यू नहीं था, फिर एक रिवर्सल कैंडल, एक रिट्रेसमेंट हुआ, टुक रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर में एंड कमिंग डाउन। दैट बीइंग द केस हमें बिलो द लो 132.30 एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 127.128। आईएनआर पे अच्छा खासा पुल बैक देखा गया एंड नाउ एट 60 ऑन डेली बेसिस। इसको अगर ऊपर जाना है तो 60 रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। डॉलर कैंडी 137.48, ये आपका 10th मार्च का हाई के बाद नीचे आया 136.50, कल एक बाउंस किया। आज क्या ये बाउंस कंटिन्यू होगा या नीचे की तरफ आएगा, हमें प्राइस एक्शंस देखना है। ऑसी डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर फेसिंग रेजिस्टेंस एट 0.67। इस कंसोलिडेशन के बाद कहां पे जाएगा वो हमें देखना है। क्या ये ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा, क्या ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर क्लोज देगा, या यहां पे कंसोलिडेट करके दोबारा जो रिसेंट स्विंग लो है दैट इज 0.6550 के लो के नीचे क्लोज देगा, क्या करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर सीएच में पिछले तीन इंक्लूडिंग टुडे मीन्स स्पेशली आज का तो प्राइस एक्शन पूरा बाकी है, पिछले दो दिन में बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करके ये क्या सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आएगा ये हमें देखना है। यूके ऑयल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, जब तक लोअर एंड 79 अपर एंड 89 आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक वॉलेटिलिटी रहेगा। एक बार आइदर साइड ब्रेक आउट तो एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, अभी है 73.78। दैट बीइंग द केस जो हमारा 70 का एक सपोर्ट लेवल से क्या उस एरिया पे सपोर्ट लेगा हमें देखना है। यहाँ पे प्राइस एक्शंस एक हो सकता है दोबारा बाउंस बैक करके 79 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, ऐसा क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी कल एक अच्छा खासा फॉल हुआ, अभी है 3.50, इमीडिएट जो सपोर्ट है 3.32 के आसपास, क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। 2-year ट्रेजरी भी 3.96 में है, सो द डिफरेंस बिटवीन 10-year एंड 2-year अभी भी 50 पॉइंट का है। ये ग्रेजुअली अगर कम हो जाता है एंड सब्सिक्वेंटली आने वाले दिनों में 2-year फॉल्स बिलो 10-year तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमोंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।